दिनांक 27 दिसंबर 2022 को सोसाइटी ऑफ ब्राह्मण एग्जीक्यूटिव राजस्थान का शौचबड़ा गेट टुगेदर का कार्यक्रम गौतम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सोबर के अध्यक्ष डॉक्टर शिव गौतम के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 200 लोगों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक कैलाश शर्मा, विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी, सोबर के महासचिव इंजीनियर आरसी शर्मा, सोबर के डायरेक्टर आईपीएस जीएल शर्मा, आईआरएस सुशील पारेख, ईआरएस राजपुरोहित से अतिरिक्त मुख्य अभियंता आईपीएस जगदीश चंद्र शर्मा, ए शशिशेखर, संतोष मिश्रा उप मुख्य प्रबंधक ओबीसी के अलावा सोबर के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भाग लिया। सहबोज के पूर्व सोबर के पदाधिकारियों एवं प्रमुख सदस्यों की एक मीटिंग सभागार में आयोजित, जिसको विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि विप्र कल्याण बोर्ड के गठन के बाद अनेक ब्राह्मण हित में कार्य किए गए हैं, जिसमें सभी संभागों में गर्ल्स हॉस्टल शुरू हो चुके हैं, समाज की मेधावी बच्चियों के लिए स्कूटी वितरित की जाएंगी। महेश जी ने कहा, सोबर जैसे संगठनों की आज ब्राह्मण समाज को जरूरत है। पुजारियों की समस्या जिनके लिए सोबर ने सरकार को ज्ञापन दिए कि विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, अब सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है कि ना तो किसी मंदिर से किसी पुजारी को बेदखल किया जा सकेगा और ना ही मंदिर माफी की जमीन को कब्जा कर सकेगा। सोबर और उसकी सहभागी विप्र सेना दोनों मिलकर ब्राह्मण समाज की अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं। सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि परशुराम पीठ की स्थापना भगवान परशुराम तपोस्थली जमदग्नि ऋषि आश्रम रुनंडल, जहां सोबर के सहयोग से भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है, उक्त आश्रम में परशुराम पीठ की स्थापना हो, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज के लिए एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित होगा। इस पर सभी ने करतल ध्वनि से उक्त घोषणा का स्वागत किया। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने कहा कि सोबर का मार्गदर्शन और सहयोग विप्र सेना को हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा।